आइए आज बात करते हैं बिजनेस के कुछ सिद्धांतों के बारे में। क्या प्रिंसिपल्स है या कौन से सिद्धांतों के ऊपर बिजनेस डिपेंड करता है, आधारित है। क्या है कि बिजनेस में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। ऐसा बोला जाता है कि देर इज नो फ्री लंच इन द बिजनेस, या देर इज नो फ्री लंच एट ऑल। मुफ्त खाने को नहीं मिलता, आपको काफी काम करना पड़ेगा, आपको कंफर्ट जोन के बाहर आना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क में पेन होता है, दर्द होता है, एक्शन लेने में दर्द होता है। मगर यदि आप एक्शन लेंगे, काम करेंगे, तो डेफिनेटली वो तकलीफ वाला होगा, मगर आपको जो चाहिए वो मिलेगा और फिर जिंदगी आसानी से आप काट सकोगे। तो वो नंबर एक, आपको कुछ मुफ्त में नहीं मिलता है, देयर इज नो फ्री लंच। फिर दूसरा है कि बिजनेस में है ना स्पष्टता बहुत जरूरी है, क्लैरिटी। क्लैरिटी यदि आपको बिजनेस में रही तो डेफिनेटली आपको जो चाहिए वो मिल सकता है। काफी सारे लोगों को जो चाहिए वो मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में क्लैरिटी नहीं है। मोस्ट पीपल, ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्लैरिटी नहीं कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या, और फिर जब क्लैरिटी रहती नहीं है तो फिर आपको कुछ मिलता नहीं है। यदि मैं रेलवे स्टेशन पे जाऊं अकोला के, और वहां उनको बोलूं कि मुझे एक टिकट चाहिए, तो वो कौन सा टिकट मुझे देंगे? डेफिनेटली कोई टिकट देंगे नहीं। बोलेंगे कहाँ जाना है, क्लैरिटी है क्या आपको? मैंने बोला हाँ दिल्ली जाना है, बोलेंगे कौन से गाड़ी से जाना है, कौन से दिन जाना है? तो फिर क्लैरिटी से मुझे बोलना पड़ेगा डेफिनेटली मुझे चाहिए क्या, तो मुझे वो टिकट मिलेगा। फिर तीसरा जो है वो है कि आप जिसके ऊपर ध्यान केंद्रित करते हो, फोकस करते हो, जिसके ऊपर फोकस आप करते हो वो बहुत बड़ा 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 होते जाता है। मतलब उसका विस्तारण होता है, वो एक्सपांड होता है। यदि आपको कोई रिजल्ट चाहिए और पूरा फोकस आपका वो रिजल्ट के ऊपर है, पूरा फोकस रिजल्ट के ऊपर है, और वो फोकस रख के आप आपके एक्शंस ले रहे हैं, वो फोकस वहां रख के आप जो भी चाहिए वो कर रहे हैं बिजनेस के लिए, तो डेफिनेटली आप जब इतना फोकस करेंगे, इतना ध्यान केंद्रित करेंगे एक चीज के ऊपर, वो डेफिनेटली बढ़ते 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 जाता है और उसका एक्सपांशन होता है, उसका विस्तारण होता है। फिर दूसरा मुझे ये बोलना है आपको कि ब्रह्मांड है ना, यूनिवर्स है ना, ये बहुत एक बड़ी शक्ति है, और वो यूनिवर्स, उसको आप एनर्जी बोल सकते हैं, गॉड बोल सकते हैं, अल्लाह बोल सकते हैं, जो बोलना हो बोल सकते हैं, बहुत बड़ी शक्ति है, और वो यूनिवर्स आपको उतना ही देगा जितना आप संभल सकते हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि क्या आपने आपकी कैपेसिटी बढ़ा के रखी हुई है, आपने आपकी एफिशिएंसी बढ़ा के रखी हुई है, आपने अपने आप को उतना बड़ा किया है, ग्रो किया है कि बिजनेस जो देगा वो आप संभाल सकेंगे। तो वो आपको देखना है कि आप कितना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, वो आपकी कितनी कैपेसिटी उसके ऊपर है, और बिजनेस ब्रह्मांड यूनिवर्स जो है ना उतना ही आपको देगा जितनी आपकी कैपेसिटी। इसका मतलब क्या है? आपकी शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, आपकी एफिशिएंसी, आपकी कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, और जितनी आप बढ़ाओगे उतना आपको यूनिवर्स से मिलने वाला है। तो आपकी एबिलिटी, आपकी कैपेसिटी बढ़ाओ, यूनिवर्स उतना ही देगा जितनी आपकी कैपेसिटी है। तो नेक्स्ट आपका माइंडसेट बदलना पड़ेगा। माइंडसेट क्या होता है कि हम बोलते कि नहीं नहीं ऐसा है ना, बिजनेस में आप सही जगह पे जाओ, सही समय पे जाओ, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। ये आधा सत्य है। सही जगह पे, सही समय पे और सही माइंडसेट के साथ में जाओ। देखो, सही समय पे, सही जगह पे और सही व्यक्ति बन के जाओ। जब आप सही माइंडसेट के साथ में जाओगे, सही व्यक्ति वहां जाएगा, तो फिर आपका जीवन बदलेगा, आपका व्यापार बदलेगा, आपका बिजनेस बदल जाएगा। तो माइंडसेट बदलना जरूरी है। आप कुछ फिक्स व्यूज लेके बैठे हुए, अपना एक राइचियसनेस लेके बैठे हुए कि मैं बोलता हूँ वही ठीक है, मुझे सब मालूम है, मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, नहीं ऐसा ही बिजनेस करना पड़ता है, ऐसा आप फिक्स लेके बैठेंगे तो कुछ होगा नहीं। आपको माइंडसेट जो है वो सही समय, सही जगह, वहां से खड़े रह के बदलते जाना पड़ेगा, तो आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो बिजनेस के सिद्धांत है। थैंक यू वेरी मच।